नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तपन चौधरी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। दोस्तों, जो बच्चे जो स्टूडेंट बैंक के अंदर जॉब करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेकर आया हूं। तो उस वैकेंसी के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो आपकी जो वैकेंसी है यह आपकी PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर निकली हुई है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी के अंदर जो आपकी वैकेंसी वो है आपकी यहाँ पर ऑफिस अटेंडेंट की। जी हाँ, तो पोस्ट है आपकी ऑफिस अटेंडेंट की और वैकेंसी आपकी पंजाब नेशनल बैंक के अंदर है। तो उसके लिए इस वैकेंसी ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, क्या यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है इस वैकेंसी के लिए, तो इस सब की संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, जो आपकी आज की वैकेंसी है वो है आपकी यहाँ पर निकली हुई आपकी यहाँ पर PNB रोहतक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक रोहतक रिक्रूटमेंट 2022 यानी कि जो वैकेंसी आज की यहाँ पर निकली हुई है यहाँ पर रोहतक के अंदर पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। और बात करें इसके अंदर पोस्ट की, तो क्योंकि पोस्ट है यहाँ पर आपकी ऑफिस अटेंडेंट वैकेंसी। जी हाँ, आप जो पोस्ट खाली है वो आपकी यहाँ पर ऑफिस अटेंडेंट वैकेंसी, ये आपकी पोस्ट खाली है इस बैंक के अंदर। और बात कर लेते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, या यानी कि आपके इसकी शैक्षिक क्या योग्यता चाहिए। तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ी कोई योग्यता मांगी नहीं गई, यहाँ पर सिर्फ आप 10th पास हों या उसके बराबर, आपने कोई डिग्री या कोर्स कर रखा हो जो 10th पास के बराबर हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, जो 10th पास है उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, 10th पास बैंक में जॉब लग सकते हैं इसके जरिए। और बात कर लेते हैं इसके अंदर एज लिमिट की, कि इसके अंदर आपको क्या एज लिमिट नहीं है, कि आपकी मिनिमम मैक्सिमम एज कितनी चाहिए। तो यहाँ पर मिनिमम एज चाहिए 22 साल। अगर आप 22 साल के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 40 साल के हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसके अप्लाई करने की एज लिमिट वो है आपकी 22 से लेकर 40 साल। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर आपका एज रिलैक्सेशन यानी कि यहाँ पे आयु के अंदर छूट भी दी गई है आपके गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। जी हाँ, ये गवर्नमेंट बैंक है, इसके अंदर आपका गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वो छूट दी गई है आपकी एज के अंदर। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स डेट्स की, कि आपके यहाँ पर इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब से लेकर कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, जो आपकी ये वैकेंसी है ऑफिस अटेंडेंट वैकेंसी PNB के अंदर, इसकी जो आपके अप्लाई करने के डेट है वो 26 सितंबर है। जी हाँ, इसके लिए जो आवेदन है वो आपको शुरू हो चुके हैं 26 सितंबर से, और आवेदन करने की अंतिम तिथि वो है आपकी 25 अक्टूबर। आप 26 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो ये इसमें कहीं तो आप इसके लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें क्योंकि आपकी डेट अभी 25 अक्टूबर तक है। और बात कर लेते हैं इसके अंदर अगर सैलरी डिटेल्स की, कि आपकी यहाँ पर क्या वेतनमान रहने वाला है। तो आपकी सैलरी अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो आपकी सैलरी आपका वेतनमान रहने वाला है यहाँ पर 8,000 रुपये प्रति महीना, जो कि बाद में बढ़ा भी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपकी सैलरी बात कर लेते हैं वो है आपकी यहाँ पर 8,000 रुपये प्रति महीना। ये PNB बैंक रोहतक के अंदर आपकी ऑफिस अटेंडेंट की जो वैकेंसी है, अगर बात करते हैं इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस की, कि इसका जो सिलेक्शन है वो किस बेस पे होगा, तो आपका जो सिलेक्शन है वो आपका यहाँ पर बेस्ड ऑन इंटरव्यू, आपका सिलेक्शन वो इंटरव्यू के बेस पे होगा। जी हाँ, यहाँ पर आपका कोई एग्जाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपका सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है कि आपको एग्जाम नहीं देना है इसमें सिलेक्शन के लिए। आप बात कर लेते हैं इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो अप्लाई करना आपने ऑनलाइन बोर्ड है यानी कि आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर अप्लाई लिंक के नाम से लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे। उस लिंक पर क्लिक करने का आप जिस पेज पर पहुंचेंगे उस पेज पर जाके आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपकी जॉब लोकेशन की, आपकी जॉब लोकेशन कहाँ है, जैसे कि इससे आप साफ साफ दिखाई दे रहा है PNB रोहतक रिक्रूटमेंट 2022 यानी कि PNB रोहतक भर्ती 2022। तो ये आपकी जॉब लोकेशन होगी रोहतक, यानी कि इसके अंदर आपकी जो जॉब लगने वाली है वो आपको मिलेगी रोहतक, आपको रोहतक के अंदर ये जॉब लगने वाली है। तो ये थी आपकी यहाँ पर PNB रोहतक रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है, आपको कोई भी समस्या है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जरूर पूछें, आपका कमेंट करके पूछें, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं और किसी वीडियो में किसी और टॉपिक और अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, और आपका दिन शुभ हो।